Welcome to Comedy Circus ka Naya Daur. So, kaisa lag raha hai Diwali ka gift? Lot aayi hai aapki most favorite, most chahiti and most beautiful anchor Purvi Joshi. Aur mere saath Diwali ke khas mauke par aaye hain the very talented, the one and only Himesh Reshammiya. Thank you. Himesh ji, happy Diwali. आपकी फिल्म आ रही है दमादम. I'm sure उसमें आपने तो यानी mind blowing काम किया ही होगा. हाँ, वो मैं बताना चाहता था. चार्ट बस्टर है वो गाना जो है आपका उमराव जान mind blowing. मैं अपने रोल के बारे में. लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया ही है. लेकिन आपके साथ जो पूर्वी जोशी है जो इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत है उसने कैसा काम किया है प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए. पूर्वी ने बहुत अच्छा काम. मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ यार. बहुत जरूरी है कि भैया आपका सुरूर वाली हिट दमादम में मिल जाए इस दिवाली पर. तुम एक मिनट. और तुम क्या कर रही हो? क्यों तुम यहाँ पर क्या एंकर नहीं हो? तुम शिखा हो. शिखा जो मेरा दिमाग खा चुकी है. हर दो मिनट में SMS. कौन करता है, क्या करता है, क्या करता है, वहां जा रहा है, क्यों जा रहे हो, मेल चेक करती है, परेशान करती है. वो वाली शिखा तुम में है. ऑफ कोर्स मैं तो दमादम की शिखा हूं. यहां प्रमोशन करने आए हैं हम लोग. तुम समझ ही नहीं रहे हो यार. लेकिन बस अब बहुत हो गया. नो एंकरिंग ओनली प्रमोटिंग. मैं चली, आप संभाल लीजिएगा. एंजॉय द शो. बाय बाय. लेट्स सेलिब्रेट दमादम दिवाली. ये जो चली गई, परेशान कर दिया था 15 दिन के लिए. इसको फिल्म में पुनः भेजा था. आज हमेशा के लिए इसका पैकअप ही करवा देता हूं. हेलो. अच्छा, आप हमारे शो में आए हैं हमारे दर्शकों के साथ दिवाली मनाने के लिए इतने शुभ अवसर पर. तो एक बार हमारे दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली कह दीजिए. अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. अ वेरी हैप्पी दिवाली टू सोहेल जी, टू अर्चना जी, एंड celebrate Damadam Diwali. We are going to have a Damadam episode today. So, zordar taliya. Thank you so much. Himesh ke liye, please go and take your seat, yep. Himesh. Yahan se? Zordar taliya. करवा चौथ का त्योहार यानी पति पत्नी का पवित्र प्यार हमारे यहाँ भी मनाया जा रहा है करवा चौथ. लेकिन इस करवा चौथ में कुछ तो लफड़ा है बॉस. अब ये लफड़ा क्या है ये जानने के लिए प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश. हाय हिमेश, कैसे हो? पहचाना? पहचान लिया ना? चलो आप चेहरे से पहचानो. ए, ऐसे तो मेरे को सब पहचान लेते, चेहरे से कोई नहीं पहचानता. एक्चुअली क्या है ना, हिमेश और मैं कॉलेज में इकट्ठे रहे. इकट्ठे पढ़े. इनको गाने का शौक था और मुझे बजाने का. ए, मैं आज तक बजा रहा हूँ. ये देखो, दिन तिकनक दिन तिकनक दिन आ. हाय अर्चना, कैसी हो? हाय. अच्छी हो अर्चना? मैंने ना आज करवा चौथ का व्रत रखा है पहली बार. वो क्या है ना, आज ये नहीं पूछना कि किसके नाम का रखा है. किसके नाम का? देखो 10 मिनट का एक्ट है. अगर मैं अपने मोहल्ले के लोंडो का नाम बताऊंगी तो एक्ट बहुत लंबा हो जाएगा. अरे हाय सोहेल. सोहेल? सोहेल ये क्या है, तुम्हें पता था ना आज मैं ये बन के आ रहा हूँ. तो फिर ये क्या पहन के आ गई हूँ? डोले कहाँ है, डोले दिखाओ ना. आज मैंने व्रत रखा है करवा चौथ का पहली बार. लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्या होता है, कैसे किससे सीखूं. ओ आंटी का घर. है मेरा चश्मा कहाँ चला गया? परफ्यूम से तो गुप्ता जी लग रहे हैं. दरवाजा खोल ही देती हूँ. अरे गुप्ता जी, गुप्ता जी. आंटी क्या कर रही हो? मैं छोटा गुप्ता हूँ. गुप्ता जी का बेटा. क्या बात है, मेरे पापा के साथ चक्कर है ना, जब भी डाल रही हूँ. तेरे पापा के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है. वो उनका तलाक हुआ था ना. हाँ? तो मैंने बहुत साथ दिया था उनका. ओ, सारा दिन यहाँ पर मेरे कंधे पर अपना सर रख के. इधर ही. हाँ सॉरी. मेरे कंधे पर सर रख के रोते रहते थे. Oh my God. मैंने उनको बहुत दिलासे दिए. इतने दिलासे दिए कि उनके दिलासे से मेरा छोटा वाला बेटा पैदा हो गया. एक तो ना पापा भी ना मेरी बदनामी करा रहे हैं.
आंटी हाँ? मैंने ना करवा चौथ रखा है। क्या? हाँ। अरे तूने करवा चौथ रखा है, तू तो लड़का है बे। ये तो तुम्हें लगता है ना मैं लड़का हूँ। मैंने अपनी दीदी की शादी पर पिंक रंग का दुपट्टा लेकर जो डांस किया था ना भाई, बारात तो क्या, घोड़े भी मेरे पीछे लग गए थे। वो क्या है ना आंटी, आज मैंने ना करवा चौथ रखा है। करवा चौथ में क्या होते हैं क्यों नहीं मुझे कुछ नहीं पता। देखो करवा चौथ में क्या होता है ना, ये अन्न का एक भी दाना घर पे नहीं होना चाहिए। ओके। जहाँ पर भी हो उसे ढूंढो, ओके, निकालो और फिर खा लो। मुझे तो पता चला है कि करवा चौथ में कुछ नहीं खाना, भूखे रहना हाँ, पड़ता है हाँ। ओ तो तू भूखे रह लेना। मेरा कहना, मैं करवा चौथ वरवा चौथ इसमें कोई विश्वास नहीं रखती। क्यों गिर रही हूँ? 3 साल से मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा हाँ। मेरा पति मुआ आज तक जिंदा है। 1 मिनट हाँ, मेरा भी जिंदा है ना। तो प्रॉब्लम पता क्या है हाँ? आज करवा चौथ है हाँ, तो क्या है कि बहुत भूख जब लग जाती है ना हाँ? समझती हो ना? हाँ हाँ समझती हूँ। तो कंट्रोल नहीं होता नो, तो फिर मूड कैसे चेंज करें आंटी बताओ नो। देखो क्या है ना ओ, आज का दिन मूड ही मत रखो। और देखो हाँ, अगर मूड कर भी जाए ना तो फिर भगवान से माफी मांग लो और मूड की सुन लो। अच्छा आंटी, मैंने सुना है कि बड़ी प्रॉब्लम होती करवा चौथ को, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लग जाए तो फिर क्या करूं? देखो बहुत ज्यादा भूख लग जाए और तुमने अगर खा लिया तो फिर तुमको पाप भी लग सकता है। इसीलिए चोरी छुपे खाया करो तो भगवान भी ना देख पाए। चोरी से मुझे याद आया, तुम्हारे हंगल आने वाले, मैं चलती हूँ। हंगल नहीं आंटी, अंकल होता है ये। नहीं नहीं, तुम्हारे हंगल ही है, मेरा पति है ना, एक ही हंगल है, इसीलिए कह रही हूँ मैं चलती हूँ। बस करो, मेरे साथ हमेशा ऐसे हुआ। मैंने पंडित से पूछा कि ये जो व्रत रखते हैं इससे क्या पति की उम्र लंबी होती है या किसी और की भी? कहते किसकी करवानी है, मैं कहा कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर विपुल शाह की। कहते क्यों? मैंने कहा उसने ये कहा है कि सबको पेमेंट मिलेगी 2090 में। हाय, कभी कभी ये लड़ता भी बहुत है मेरे साथ, इतना लड़ता है पिछली बार जब लड़ाई हुई ना तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने पता क्या किया, मैं इसकी तरफ मुंह करके सो गया। लेकिन मेरा हस्बैंड पता नहीं कहाँ है, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता मैंने आपको कितना मिस किया? मैंने भी तुमको बहुत मिस किया सच्ची को। मैंने तुमको इतना मिस किया ना ऑफिस में भी, आज मुझे खाली कुर्सियों पे बैठना पड़ो। गुगू नुनू ओ सुनो, तुम्हें बताएं आज ना मैंने करवा चौथ रखा। वाओ, ये क्या होता है? इस दिन को हर पत्नी अपने पति का लंबा जीवन चाहती है। मैंने तुम्हारे लंबे जीवन के लिए व्रत रखा है। ओ लंबे जीवन के लिए। लेकिन नन्नू, मैंने सुना ये करवा चौथ के व्रत में तो पानी भी नहीं पी सकते। हाँ, मैंने सुबह से पानी का एक बूंद तक नहीं पी, सिर्फ 4 पैक पिए। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक चांद नहीं निकलेगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो सोहेल ने भी कसम खाई थी कि जब तक ठाकुर नहीं निकलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेचारा 10 एपिसोड से भूखा बैठा है। ये ठाकुर, उनको खाना खाने दे ना, जा। नुन्नू गुगू, चांद निकल आया। हाय, चांद कितना बड़ा है ना। हाँ, कितना गोल है। चल कुछ खा तो ले, अब तू खिलाओ ना। इंजॉयमेंट पर पॉइंट्स देते ना? हाँ। नहीं यार, लेकिन सुदेश मेरे लिए जो भी है, दिस एक्ट was one of the funniest act I've seen because you boys were at it no matter what. Sheer talent, you guys are so funny, great fun. Arjuna, शुक्र है मैं कभी करवा चौथ नहीं रखती, और ये देखने के बाद तो कभी रखना भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि पागलपन होना चाहिए एक्ट में। ऐसा आपने बहुत बार किया है कृष्णा, आप कभी फ्लाइट से आते हैं
कौन सी फिल्म है जिसका सेट जयपुर में लगा बच्चन। है बोल बच्चन, जिसमें अर्चना और आप काम करते हैं, जिसमें मैंने बहुत अर्चना अच्छा काम ने किया। बहुत अच्छा काम किया है। Good one. The madness was there. Both of you. Thank you, man. Thank you. Please इन्हें numbers दे दीजिए. सोहेल, it's a 9. Nine boys. अर्चना, बंधु यही है. Eight boys. हिमेश जी बताइए, आपको हमारे happy gay lucky सुदेश पहचान में आए या नहीं आए? नहीं, ये इनके बारे में तो यही कहूँगा कि सबसे सालों से मेरी और जनता की favorite जोड़ी रही हैं. तो सुपर. I think comedy circus की शान है ये. So undoubtedly. सर आपके एक हिडन टैलेंट के बारे में हमें कुछ पता चला. अच्छा अच्छा. मैंने सुना है कि आप मिथुन दादा और ये जीतू जी और ये सब स्टाइल आप बहुत अच्छा करते हैं. एक ही डांस आता है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, हूँ और रहूंगा. बुरा ना मानो, होली है, बदमाशों की टोली है. बदमाश टिट्टू गया है निट्टू भाई की बहन को लगाने रंग. लेकिन क्या वो कर पाएगा उसे तंग? चलिए देखते हैं रंगों की ये जंग. प्लीज वेलकम मंत्रा एज टिट्टू पहलवान एंड विशाखा एज भाई की बहन. ए बाबा होली रे, अरे होली, अरे होली है, होली आहे, आहे, ओहो, अरे बहुत बताए भैया, बताओ भैया के टाइम के ढंग क्या, भैया के टाइम के पहलवान क्या भैया? अरे भैया को टीटू पहलवान कहते हैं, विजयनगर में रहते हैं, लाबरिया भेरू से लसूड़िया तक के भैया का डंका चलता है. किसका? भैया का. भैया का नहीं, भैया का. इंदौर यूपी में नहीं है, एमपी में है भैया. क्या कह रहा हूँ मैं? अरे भैया लोग को, भैया लोग को, भैया लोग. अरे इंदौर के ना बहुत चर्चे हैं. इंदौर का चक्कर कटा किसी का? इंदौर के बड़े चर्चे. हाँ हाँ, तो भैया आपके पास में दो मिनट बाद आऊंगा, है ना. इंदौर में हम लोग बड़े स्पेशल, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, ए, ए, किसी भी चीज का जवाब दे दो ए, सारा काम हो जाता है. हमको नी सुनने की आदत नहीं है. दुकान पहुंच जाओ भैया, बिस्कुट का पैकेट देना. नहीं है ए, नहीं है ए, खुद निकाल के दे देता है. और ये इंदौरियों का ए पूरी दुनिया फेमस है भैया. दुनिया जाते इटली जाएंगे घूमने के लिए, साथ में सेव मिक्सचर लेकर जाते हैं, पास्ता के अंदर जीरावण मिश्रण लगा के खा जाते हैं हम लोग. अच्छा भैया, आपसे क्या छुपाना, आप तो पहलवानी में हमारे उस्ताद हुआ करते थे यार भैया. और सोहेल भाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना इंदौर के बारे में? भैया और किसी को मालूम हो ना, सोहेल भाई का जन्म नहीं हुआ, बाकी वालिद साहब का, सलीम साहब का वहीं जन्म हुआ. सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ, बोले तो इंदौर में सलमान भैया. भाई नहीं है, सलमान भैया. और हिमेश भाई, तुम तो यार भैया वाले छान हो यार. हिमेश भैया इतने कमाल के भैया हैं, वो अपन लोगों को गाना सुनाने से पहले भगवान को सुनाते हैं. वो पहला आदमी है, पहले ऊपर भगवान को सुनाता है, ऊपर ही देखते आते रहता है. जैसे वो पहले पहले ऊपर माले वाला सुनेगा, उसके बाद नीचे वालों को टेम मिल जाए तो टेम मिल जाए. भैया तुम्हारे धनाधन की क्या बात करूं, धनाधन का तो गाना मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा यार. क्या वो मधुशाला मधुशाला में खो यार, और गर्दन उखड़ के नहीं गिर गई यहाँ पे? मैं क्या, मेरी गर्दन अकड़ गई दो चार दिनों तक. लेकिन भैया मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, सब आपसे चलते हैं लेकिन फिल्मों के वो तुम्हारे गाने चलते हैं क्या हिमेश भैया? हाँ भैया, क्या एक सेकंड रुकना यार जरा यार. हाँ भैया, क्या बात करो भैया? अरे 13 मार्च को होली खेलूं, क्या बात कर रहे हो तुम? हमारी हमारी बहन को छेड़ दिया. कौन रख इसकी ऐसी की देसी, टीटू पहलवान की बहन को छेड़ दिया. अरे जिनने छेड़ा टीटू पहलवान की बहन को होली में, उसको रंग लगाएगा अपन भी चोली में, और उसका नाम लिख दिया बंदूक की गोली में. क्या भैया, इतनी गोलियां चलेंगी कि खोखे बिनने वाले करोड़पति हो जाएंगे भैया. हम इंदौरी केवल डायलॉग बोलते हैं भैया, काम ज्यादा कुछ होता नहीं है भैया. अरे बहुत खतरनाक. हमारे इंदौरी मतलब चाय वाला अगर ले लो तो पहले प्यार से बोलते हैं चाय 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 ले लो. टीटू भैया की बहन को छेड़ा, क्या नाम उसका, नीटू भैया ना, हमारा सब ऐसे ही टीटू भैया, नीटू भैया, बिट्टू भैया. तो अभी जा रहा हूँ मैं नीटू भैया के घर के बाहर उसकी बहन को छेड़ने. कहाँ है रे, कहाँ है, किधर है उसका घर? कौन है, कौन? होली, अरे होली है, ए होली, अरे अरे ए ए इसकी ऐसी जैसी क्या रे, अरे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे. कौन है, कौन है, कौन है, कौन है जो मुझे रंगने आया है? कौन है? मुझे रंग दो, मुझे रंग दो ना. मेरे गवाल टोली में एशियन पेंट्स की दुकान है, तो तेरे को रंग दो बैठे बैठे. नहीं तो ए
टीटू भैया नाम है, पहलवानू बदला लेना है, बदला बदला तो ले लो ना बदला, कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ मैं। आजा मेरे राजा, कोने में आजा, आजा ना, आजा। तो अजीब बात है, इंसान है, कैसी हो रहे थे यार? मैं तेरे को परेशान करना, धमकी देना है, तू इंजॉय कर रही है? ए चल रे, मैं नीटू की बहन को छेड़ने आया हूँ, चुन्नी हटा, पर्दा हटा ऊपर से। अरे तुम गुंडे हो ना, तो कुछ गुब्बारे शुब्बारे मारो। ये गुब्बारे शुब्बारे मारो, बाहर बच्चे परेशान हो रहे हैं कि गुब्बारे में पानी भरने को नहीं है, बोल रहे पानी की टंकी के चार पांव लग गए। चुन्नी हटा ऊपर से। हाँ ठीक है हटाती हूँ घूंघट। हाँ देख लो इस घर की कमसीन जवान छोटी सी बच्ची को देख लो। अरे राजवाड़े की कसम, पोए जलेबी खा के तू है कौन? आओ तुम मुझे छेड़ने आए हो ना, तो छेड़ो ना। आई लव गुंडा, गुंडा कर दी, क्या कर रही? छेड़ो ना, और तुम तो बदमाश हो, बदमाश। अरे पागला, आंटी जी आप गलत समझ रही है। अरे मैं तो लूडो खेल लिया था, बॉल अंदर आ गई तो मैं ऐसे ही, मैं चलता हूँ आंटी जी। नहीं नहीं नहीं, तुम तो टिट्टू हो ना टिट्टू, जिसकी बहन को मेरे भाई ने छेड़ा था, है ना? आपको गलत फहमी हो गई, मेरी बहन ने आपके भाई को छेड़ दिया होगा। नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आओ मुझे छेड़ो ना, छेड़ो ना, छेड़ो ना, छेड़ो ना, छेड़ो ना। दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो दीदी। अरे दीदी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो मान लो, मेरे को अपना एक फोटो दे दो, मैं ना पड़ोसी मुल्क भिजवा दूंगा, उनको मालूम पड़ेगा ऐसे अस्त्र शस्त्र वो हमारे साथ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। हाँ। मैं नहीं ऐसे मानने वाली। आओ मुझे रंग लगाओ ना, रंग लगाओ ना। कहाँ रंग लगाऊ मैं तुम्हें यार, तुम्हारे को रंग लगाने में तो कारीगर लग जाएंगे अभी। रंग लगाओ ना, आज होली है, मैं नहीं छोड़ूंगी। कहाँ लगाऊ रंग, क्या करूँ? ले यहाँ लगा। पागल, इतना बड़ा रिस्क में नहीं ले सकता। ले लो ले लो पिचकारी, और मुझे सिर से पांव तक भिगो दो, भिगो दो, भिगो दो। तुम्हें सिर से पांव तक भिगो दूं? हाँ। तुम पगला गई हो, तुम्हें सिर से पांव तक भिगोने में जितना पानी लगेगा यशवंत सागर डैम सूख जाएगा उतने में। पागल हो गए, चार दिन तक इंदौर में पानी नहीं रहेगा, उसका क्या होगा भैया? ठीक है ठीक, तो काम करो, मैं जैसे हल्के से बाहों में उठाऊं, पानी के डब में से डाल दो। मैं तुम्हें बाहों में उठाऊं? हाँ। पानी की टंकी में डाल दो। हाँ। ताकि कहावत सहज हो जाए कि गई भैंस पानी में। हाँ। गई हो तुम, मैं उठाऊंगा फिर मुझे कौन उठाएगा? छोड़ो ना ये उठाने उठाने वाली बात, मुझे रंग दो ना, थोड़ा सा रंग मेरे चुनरी में डालो, फिर मैं कह सकूंगी लागो चुनरी में दाग छुपाऊं। कैसे ठीक से बजाना, लागो चुनरी में दाग डालो ना। मैडम मैंने होली का चंदा इकट्ठा किया था, ये तुम रख लो, ये रंग भी रख लो तुम। हाँ। सबके सब अच्छा है, इसको मेरे रंग चाहिए, अर्चना को पंच चाहिए, सोहेल भाई को परफॉर्मेंस चाहिए, और हिमेश भाई टीवी पे आके बोलते मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। मतलब ये क्या है, मुझे तुम मेरे घर में रोटी चाहिए तो क्या दाल बाफ ले जाए, मैं रख के घूमते हो तुम? तुम गुंडे हो ना। अरे क्या है? ऐसी क्या बातें कर रहे हो? लियो गुंडा है। मैं तो अदरक लेने आया था। मैं सोहेल भाई के घर पे चाय बनाता हूँ। दो कोड़ी का आदमी मेरा कुछ नहीं, मेरा सेठ जरूर 10-10 कोड़ी के। अच्छा तो क्या वो रंग लगाएंगे? अरे रंग लगाए छोड़ा, हमें तो लगता है इनका चेहरा देख के अब ये वाट लगाएंगे। हिमेश आपसे शुरुआत करूंगी, क्या आप इनके रंग में रंग गए या नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि रियली ये इस शो को 20-25 साल और नहीं बंद होना चाहिए, चाहे कितने शो बंद हो जाए, लेकिन ये शो चलता रहे, ये दुआ देके जा रहा हूँ मैं बस। एंड मेरे मेंटर सोहेल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपके सामने हूँ तो वो उस गाने उस प्यार किया तो डरना क्या की वजह से है, जो सोहेल भाई ने डायरेक्ट की थी और मुझे अप्रूव किया था, तो प्लीज़ गिव हिम अ वेरी बिग हैंड की। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सलमान भाई एंड फैमिली एंड सोहेल भाई एंड फैमिली, थैंक यू। अर्चना दिवाली पर ये होली कैसी लगी? जितने रंग आपने उस स्टेज पर उड़ाए गुलाल के तौर पर, उतना ही रंगीन आपका कैरेक्टर था, ये जो इंदौरी भिया मंत्रा, यू आर आई मीन बिकमिंग वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑन कॉमेडी सर्कस, बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड, थैंक यू। सुहेल, देयर इज अ पहलवान कॉल्ड टीटू पहलवान। मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, हमारे शहर में टीटू पहलवान, बिट्टू पहलवान, मीटू पहलवान, नीटू पहलवान लाइंस है, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हो थे, बट ऑफ कोर्स थे ना बड़े पावरफुल
मुझे याद है कि अब हम लोग जब एक्चुअली प्यार के डर की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज में शूटिंग करी थी, आप ताज में रुके थे, उस वक्त मैंने आपको कॉफी पिलाई थी, मैं उस होटल में नौकरी किया करता था सर। यू नो व्हाट अमेजेस मी मंत्रा, आपने जो एक सुर पकड़ा है, जो आप मतलब आप किसी भी टोन को पकड़ते हो एंड यू डू फुल जस्टिस टू इट यार, यू आर जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर which is superb. I mean, I wish you all the best and I hope you're here till, you know, till the end. Yeah, I'm really enjoying you here. Yeah. Thank you, Sohil bhai. Bahut bahut shukriya sir. Marks de dijiye. 9 points. One extra mark only for your performance, Mantra. विदेशी बेचारे हैरान होते हैं कि इंडियंस इतने त्योहार मनाते कैसे हैं। तो विदेशियों को इंडियन फेस्टिवल्स की पूरी नॉलेज देने आ रहे हैं कपिल एज फेस्टिवल ट्यूटर एंड श्वेता एज फॉरेनर। प्लीज वेलकम देम। एक तो ये विशाखा का बॉम्ब भी ना हर जी बॉम्ब हर जगह एंजॉयमेंट ढूंढा करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं होली बोल के बम क्यों चला रहा हूँ। सर जी पता क्या है, दिवाली वाले दिन यही बम 15 रुपए का बिकता है। आज मुझे 3-3 रुपए मिला तो मैंने कहा आज क्यों ना चलाऊं। वैसे सोहेल भाई, मैंने ये अपना इंस्टीट्यूट खोला है कि जिन लोगों को त्यौहार बनाना नहीं आता, कौन सा त्यौहार कब किस टाइम पे कैसे बनाना है, उनके लिए मैंने ये इंस्टीट्यूट खोला है। हिमेश भाई, मैं आपका बड़ा फैन हूँ सर, इतना फैन हूँ ना, मैंने आपके शो देखे हैं, आप कितने प्यारे इंसान हो यार। उस दिन कंटेस्टेंट को बोल रहे थे मेरे को तेरे घर में रोटी चाहिए, पता कि आपने तो बोल दिया मेरी तेरे घर में रोटी चाहिए, उसकी माँ ने इतनी मेहनत से बिरयानी बनाई, अब आपके चक्कर में दोबारा चपातियां बनाए, ऐसे अच्छा रोटी लगता है? किसी की माँ को क्यों तंग करते हैं आप? एक हमारी जज है, हमारी भी रोटी खा जाती है। उमेश भाई, आपकी फिल्म और शाहरुख भाई की फिल्म रावण एक ही साथ आ रही है, ये हुई टक्कर की बात, तालियां जन कर दो। मान गया मैं सर शाहरुख खान को, टक्कर ली भी तो किससे, सीधा हिमेश रेशमिया से। मैं किन चक्रों में पड़ गया सर जी, मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, मैं तो कहता हूँ कोई ग्राहक आए और दिवाली वाले दिन मेरी भी बोनी हो। हेलो, Excuse me. Can you please tell me about this dress? Where is this training school? Where should I go? Should I go straight and take a ride, or should I? देखो, hello. इधर बगल में पुलिस चौकी है, तुम उधर कोने में जाके, जो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। देखो, मैं तुमको ये ट्रेनिंग स्कूल का एड्रेस पूछा, समझे? तो तेरे को हिंदी आती तो पहले क्यों नहीं पूछा? मैं तो खामखा तेरे को रशियन समझ बैठा, 3 महीने की पगार मेरी 2 मिनट में उड़ जाती। वैसे आप कहाँ से आई मैडम? मैं चाइना से आई। चाइना से आई है? या। तो नूडल कहाँ है? कोई ग्रेवी चौमिन, आंखें भी आपकी ऐसी नहीं है, तो मतलब No. मैं इंडिया की लड़की हूँ, चाइना घूमने गई थी, वहाँ से वापस आई। पर वैसे आप इंडियन लगती नहीं, ये तांबे वाले बाल तो होते नहीं इंडियन, कितने को? वो क्या है, मेरे मम्मी डैडी इंडियन है और मेरा जन्म बाहर, इंडिया के बाहर विदेश में हुआ। अच्छा, मम्मी डैडी इंडिया में, बच्ची बाहर पैदा हुई। अच्छा, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। आप वैसे इधर करने क्या आई मैडम? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म विदेश में हुआ, तो मैं यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानती, क्या आप प्लीज मुझे सिखाएंगे? अच्छा, इधर के रीति रिवाज नहीं आते? नहीं, उधर वाले तो आते ना, तो फिर आते मेरे को पप्पी की। ओह शट अप, मैं तुमको बोली कि मैं यहाँ के त्योहार के बारे में कुछ नहीं जानती है, वो सीखने आई है, क्या तुम मुझे सिखाएंगे? मैं बिल्कुल सिखाऊंगा मैडम आपको, सारे त्योहार सिखाऊंगा, आपको फीस देनी पड़ेगी 25,000 रुपया। 25,000? Yes. ये तो बहुत ज्यादा है, कम करो कम करो। तो मैडम, मैंने कम करके बोला है, राउंड फिगर में बोला, नहीं तो मैं तो 1144 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेता। 1144 रुपए का राउंड फिगर होता है 1,000 रुपीज। तू फॉरेन से आई है, साली मोल भाव तो गुजरातियों से ज्यादा कर रही है। अच्छा ठीक है, तुम जितना पैसा बोलेगा मैं तुमको देगा, okay. लेकिन तुम मेरे को सारे त्योहार के बारे में सही सही सिखाएगा, ओके? Yes, बिल्कुल। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिवाली फेस्टिवल से। yeah. आप बताओ दिवाली कब सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली मैडम बड़ा अच्छा त्योहार होता है, खुशियों भरा त्योहार होता है, okay. इसको हम लोग रात में मनाते हैं। Yeah. Just like सुहाग रात। वो वाला त्योहार नहीं होता ये, किस दिन पटाखे चलाए जाते हैं। ये पटाखे क्या होता है? पटाखे तो फिर जो मर्जी करो। ओह शट अप, मेरा मतलब वो पटाखे नहीं, वो पटाखे। अच्छा, पटाखे। हाँ। शूंठा। ओह यस यस।
ये पटाखे जो होते हैं ना okay. खुशी में जलाए जाते हैं okay. रात में जब दिवाली होती रात होती तो शूंठा चलिए अब मुझे किसी और त्योहार के बारे में बताइए yes, आपने होली के बारे में सुना है oh, yes! yeah. होली कलर्स का त्योहार है मेरा दिमाग खराब है होली कलर्स का त्योहार है तो होली वाले दिन सोनी का सत्संग चलाता है होली से वेरी फ्रेंडली त्योहार रोमांटिक त्योहार हैप्पी होली में क्या होता है मैडम हम लोग क्या करते हैं जैसे ये पिचकारी है ठीक है इसमें आपने क्या करना है इसके रखना है ऐसे मग से पानी भरना यूं करके थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पिचकारी चलाने में मजा बड़ा आता है ओह स्टूपिड पानी ऐसे नहीं ऐसे भरते हैं कसम से मेरे को तो पता नहीं था आज तक कि किसको ऐसे भरते हैं मैंने पिछली जो आई थी होली मैंने सॉरी मैंने मेरे को क्या पता कैसे भरते हैं तू बड़ा हंस रही है देखिए मेरे को पता नहीं था ऐसे भरते हैं मैंने तो पिछली होली में जैसे को भरना शुरू किया भरते भरते मेरे को 6 महीने लग गए क्रिसमस आ गई फिर मेरे को मिले ना भिगोने के लिए फिर मैंने सेंटा क्लॉस को भिगो दिया भिगा के जो मजा आता है ना फिर हमारे सामने चाहे मुर्गी भिगी हो उसको देख के बड़ा एंजॉय करते हैं इतना भी फनी पंच नहीं था ये मैडम मैं पंच पे नहीं हंस रहा हूँ होली से मैं सीधा दुशहरे की तरफ आ गया हूँ ऐसे रावण हंसता था मैं बता रहा हूँ रावण यू नो रावण ओह यस यस आई नो रावण शाहरुख खान रावण है यू आर माय चम्मक छल्लो चलो 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 अंदर चलो वो वाला रावण नहीं मैडम ये रावण जो था श्रीलंका बेस्ड था इसका पासपोर्ट श्रीलंका का था oh. इसके 10 मुंह थे okay. इसको दशहरे वाले दिन जलाया जाता है दशहरे वाले दिन क्यों जलाया जाता है तैयार नहीं होता ना उससे पहले दशहरे वाले दिन ही तैयार होता है अच्छा ये सो फनी खैर किसी और त्योहार के बारे में बताइए प्लीज हाँ मैं बताता हूँ तुम्हारी माँ बीमार है तो उसका इलाज भी करा दूं अस्पताल में 1100 रुपए में तेरे को दिवाली बताऊं होली बताऊं तू एक काम कर तू ये ले 2100 रुपया तू मेरे को सिर्फ एक फेस्टिवल सिखा खुल के बताना ये वैलेंटाइन डे का क्या हिसाब किताब होता है लॉस्ट तुमको 2100 रुपए में क्यों सिखाएगी जब मैं 3000 में ऑलरेडी सोहेल को सिखा चुकी हूँ अच्छा तो आप दिवाली मना के बैठे हो इधर पटाखे हमारे फोड़ आपने दिए मेरी बात सुनो अगर आप लोग दिवाली मना के बैठे तो हमारी दिवाली क्यों खराब कर रहे हो दो हमें 10-10 नंबर निकले हम लोग अपनी दिवाली मनाए क्यों भाई लोग बजाओ ताली जजेस इस ट्यूटर की नॉलेज आपको कैसे लगी कपिल जी श्वेता जी आप लोगों की पैर वैसे भी बहुत बहुत ही पॉपुलर पैर है आउटस्टैंडिंग था बहुत ही अच्छा था इतना बहुत अच्छा था बहुत अच्छा बस और कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास जो टाइमिंग है जो परफॉर्मेंस है ये कॉमेडी सर्कस के सेट पे कुछ ऊपर वाले का बहुत बहुत बड़ा हाथ है अर्चना आई एम श्योर जो भी दर्शक देख रहे हैं आप लोगों ने उनकी दिवाली बहुत 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 हैप्पी कर दी है अपनी इस परफॉर्मेंस से माइंड ब्लोइंग Nothing better than a Diwali gift as such a brilliant performance by you guys. Yeah, fantastic. चलिए तो आप भी इन्हें gift दे दीजिए दिवाली का ही सही numbers please. अर्चना 9 points. सुहिल 9 points. गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला लेकिन आजकल बाला मटकी संभालती नहीं बल्कि खुद मटकी तोड़ना चाहती है दही हांडी कैप्टन से दही मटकी तोड़ने की ट्रेनिंग लेने आ रही है भारती प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज दही हांडी कैप्टन एंड भारती एज स्टूडेंट कॉमेडी सर्कस मित्र मंडल में आपका स्वागत है हमारे खजिनदार सोहेल भाई हमारे प्रमुख पाहुणे हिमेश जी रेशमिया जी और हमारे अध्यक्ष अर्चना भाई जोरदार तालियां अरे इन्होंने तो बहुत सारी मटकियां फोड़ी है बहुत मटकियां फोड़ी है ऊपर ऊपर चढ़ के मटकियां फोड़ी है सच बोलता हूँ एक बार तो इतने ऊपर चढ़ी थी इतने ऊपर चढ़ी थी बोली आज तो मटकी फोड़ूंगी फोड़ूंगी फिर इन्होंने किसने कहा अर्चना जी वो चांद है नीचे आ जाइए रजनीकांत बना दिया अरे आप वही है ना जो कॉमेडी सर्कस के एंकर को हीरोइन बनाते हैं क्या सर आप भी ना पूर्वी जोशी को हीरोइन बना लिया वो आपको क्या बोलती है नॉट टचिंग अरे इसको लेने का ना ये बोलती है ओनली टचिंग
और वैसे एक बात हिमेश भाई बोलूँ, वो आपका गाना है ना नो टचिंग नो टचिंग, वो मेरे को थोड़ा अभी बंदा गर्लफ्रेंड को लेके थिएटर में काहे के लिए जाता है? अच्छा अभी वही बोलेंगे नो करे तो कैसे है? मैं तो मटकी फोड़ने आया हूँ, मैं मटकी फोड़ूंगा ही, जरूर फोड़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, मैं इतना लकी हूँ मैंने मेरे वाइफ को टच भी नहीं किया, मेरे को दो बच्चे हैं और वो तो छोड़ो भगवान की दया से सुंदर भी है इसलिए मेरी वाइफ के साथ मेरा कोई रंजिश नहीं है। लेकिन हिमेश भाई को एक मिनट लेके गया तो मैं हंडी फोड़ने के लिए, हाँ याद है ना भैया, भाई ने क्या हंडी फोड़ी थी, मैं दूसरा मैं खो गया मैं दूसरा मैं बोला भाई एक ही झटके में मटकी फूटी और कितना फोड़ोगे? ए हिमेश हैप्पी दिवाली, अल्तना हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये सोहेल भाई देखिए मोर के गाने पे हाथी नाच रहा है बोले। ए तुत्ते, हाँ तुत्ते, वाव वाव। अच्छा चूहा। हे भगवान, ये माँ बाप भी ना अपने बच्चों को ढंग से बोलना नहीं दिखाते। अच्छा अच्छा ये तोतली है। ये मर्दों से नफरत करती हूँ मैं, आई हेट मैन, चाले मल देख जैसे होते हैं। तो तेरे किसने कहा हर एक को टेस्ट करने के लिए? सोहेल भाई ये औरतों के मनी प्लांट की बेल है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेले में। फिर थलव गुण थम पन्नू में। क्या है थलव गुण थम पन? थलव दाने दे तेरे को समझ ही नहीं आएगा तू नल्ला नहीं था। अरे बोलती क्या मैं थूकती ज्यादा है बोले। तेरा प्रॉब्लम क्या है बोलना मेरे को? मेरा प्रॉब्लम मेरा पति है। पति शाला नल्ला। क्या हुआ तेरे को आगे बढ़ने ही नहीं देता? क्या हुआ तू आग लाग पे मेरा धुंधत उठाया? हाँ मैं थलमाई। हाँ मुझे तेरे लगा डार्लिंग। हाँ तुझ अच्छा तरने से पहले तुझ मीठा हो जाए। मैंने कहा दलूल थाला रात को 1 बजे देरी मिले लेने भाग गया और अगले दिन 8 बजे आया सुबह, कहने लगा मैं क्या करूं दुकान ही अभी खुली है जाके। तेरा प्रॉब्लम क्या है पर्सनल मत बता। मेरे को मटकी फोड़नी है। तेरे को मटकी फोड़नी है? फोड़नी है। अबे मैं सिखाऊंगा तेरे को मटकी फोड़नी। सिखा फिर सिखाने गए उससे पहले डांस। बस नाच लिए? नाच लिया। अभी इधर आने का? आने का। मटकी को देखने का? देखने का। लेकिन तेरे को क्राउड चाहिए तो ऊपर ना रोशनी को चढ़ाने का होता है तो। अबे ऊपर वो चढ़ेगी तो 4-5 हजार क्राउड तो नीचे जमेगा ही बोले। अरे सही बात कर रहा, इतने लड़के फचाती है, इतने लड़के फचाती है। तुम्हें पता जब मटकी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ती है ना तो सेंटा क्लॉज के साथ नीचे आती है ऐसे। उलुचको भी रास्ते में समझा रही होती है, देखो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत गंदा है, यू नो ये कैसे ड्रेस पहनते हो, ये तुम स्वेटर अपने मुंह पे क्यों बांधते हो? 10 पॉइंट। अरे यार तू तो सीख गई यार। सीख गई मैं। लेकिन एक एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, देख काम करना, कभी भी ऊपर ना सुदेश लेरी को नहीं चढ़ाना होता है तो। अरे यार वो डायलॉग भूल जाता है चढ़ते चढ़ते बीच में भूल गया तो हो। ए अच्छा मत कर, बुद्धे बंदे को अच्छा नहीं बोलती। अरे बुद्धा है लेकिन अपना कृष्णा सही है भाई। क्या बात कर रहा है? एकदम सही है। तेरे को मालूम है रोहित शेट्टी की फिल्म कर रहा है बोल बच्चन। अरे वही जिसका शायद जयपुर में लगा है। आ, काम भी अच्छा किया उसने। नहीं नहीं अपनी अर्चना ने भी तोला से अच्छा काम। अरे वो तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए जोरदार तालियां। अरे तेली बातों बातों में मैं मटकी फोड़ना सीख गई। हाँ मैं मटकी फोड़ूंगी। मटकी फोड़ेगी? मैं मटकी फोड़ूंगी। मटकी फोड़ेगी? तेरे कंधे पे चढ़ के फोड़ूंगी। मेरे कंधे पे क्यों? ए कुत्ते कमीने। अबे क्या बोल रहा है मेरे को? तू गाली नॉर्मल देता है। अरे मैं गालियाँ दे के तोतली हुई हूँ। तो जा अभी मेरे को मटकी फोड़नी जाओ। अरे मटकी मैं फोड़ूंगी तेरे कंधे पे चढ़ के। मेरे को नहीं नहीं नहीं। अरे तल ना सोहेल भाई को बता ना। सोहेल भाई, अरे सोहेल भाई क्या कर लेंगे? नीचे आओ ना। अरे नीचे हो। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं 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 नहीं। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। यार ये क्या बात हुई, मटकी फोड़ने से पहले ये फूट गया। लेकिन मत की तो मेरे को फोलनी है। इतके तंदे पे तड़के फोलू या तोहेल खान के तंदे पे? तोहेल तलाओ के मुझे तंदे पे? नहीं तो फिर लत्थे नंबर दो चलो। सुहेल मटकी फोड़ी या नहीं? एक्ट में बहुत एनर्जी था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब एक्ट में ज्यादा सब्सटेंस नहीं था। आप दोनों की जो एनर्जी लेवल थी, यू नो नाचना गाना
इंटरेक्शन वो बहुत कमाल का था। अर्चना, आप दोनों की जो एनर्जी थी वो माइंड ब्लोइंग थी। हम स्क्रिप्ट पर तो मार्क देंगे ही, हम परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बैलेंस होता है बिटवीन स्क्रिप्ट एंड परफॉर्मेंस बोथ। चलिए तो स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस के बैलेंस पर कितने नंबर देंगे आप अर्चना? 8 points. सहिल, 9 points. हिमेश, आई नो भारती आपकी फेवरेट है, आप क्या कहेंगे इनके एक्ट के बारे में? भारती जी, आपको मैं ऑलवेज ये शो देखता हूँ, हमेशा ही कुछ ना कुछ बहुत बहुत नया होता है और बहुत बहुत कमाल की टाइमिंग है आपकी। आई थिंक यू आर द स्टार ऑफ द शो, सुपर। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक संगीतमय शाम, जिसमें हमारे सुरीले कलाकार आपके दिलों की फुलझड़ी जलाएंगे या आपके कानों में फोड़ेंगे बॉम्ब। चलिए देखते हैं, प्लीज वेलकम राजीव एज दिवाली होस्ट एंड सुगंधा एज वेरियस कैरेक्टर। चेक 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 मांग रहा हूँ, पता है मिलने तो है नहीं, इसलिए माइक टेस्ट कर लेता हूँ। वन टू थ्री 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 थ्री। तो दिवाली के इस शुभ अवसर सर 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 हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे रंगारंग प्रोग्राम जिसका नाम है पटाखे जवान हो गए। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर उस दिलकश अदाकारा को जिसकी आवाज से चारों लोक में बहुत ही धांसु आवाजें चल रही हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस श्रेया घोषाल के गाँव की रहने वाली मिस जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बेहतरीन अदाकारा बहुत ही जल्द आ रही हैं अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट, क्योंकि जहाँ अमिताभ बच्चन की फिल्म लगेगी उसके ऑपोजिट इनकी फिल्म लगेगी वीडियो पार्लर में, जिसका नाम है घाघरे की लाज। बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, फिल्म देखिए और अपना परिवार बढ़ाइए। शुक्रिया 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 जी। अब आपके हुस्न में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। तू भी कातिल तेरा दिल भी कातिल, तू भी कातिल तेरा दिल भी कातिल, तेरे चेहरे पे तेरा काला तिल भी कातिल, तेरी माँ भी कातिल, तेरा बाप भी कातिल, तेरा सारा खानदान भी कातिल। तो कातिलाना परिवार से कातिलाना अदाओं के साथ आपके सामने मिस नेमी। तो मिस नेमी, कौन सा गाना सुनाएंगी आप? तशरीफ और तशरीफ पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि लोग तशरीफ रखते हैं आराम फरमाने के लिए, लोग तशरीफ रखते हैं आराम फरमाने के लिए, और ये तशरीफ रखता है अपने कच्चे के छेद छिपाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सामने एक बार फिर से आ रही है दिलकश अंदाज दिलकश आवाज की मालिक मिस नीति अपना पांचवा गाना लेकर, प्लीज। नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, पिछली बार 10-10 नंबर दे चुके हैं वो लोग। वाह 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 वाह, दिलकश अंदाज दिलकश आवाज सपना अवस्थी के साथ शब्बीर कुमार भी। तो बहुत ही शुक्रिया, वड़ा पाव आया है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक ये वाह वाह तारीफें आई हैं हमारी, वो भी सोहेल जी से। वाह वाह कमाल है कमाल है। पहली बार चलते एक्ट में सोहेल जी हमारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम दोनों बहुत ही सालो माइक किसने बंद किया, ये माइक क्यों बंद किया भाई? तारीफ करते हैं लोग माइक बंद कर देते हैं। हेलो हेलो चेक 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 चेक। हेलो, तारीफ हो गई है या, या। मेरा काम पूरा, मैं जा रही हूँ। ओह वाह, तारीफ। मैं एक शेर कहना चाहूंगा इस महान फनकारा के लिए कि कलाकार कभी मरा नहीं करते, कलाकार कभी मरा नहीं करते, इन्हें तो जिंदा दफनाए जाते हैं। कलाकार कभी मरा नहीं करते, ये तो जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद के देख लीजिए, ये अक्सर तारीफों की इंतजार में पाए जाते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जी जी जी, एक दो अनाउंसमेंट्स आई हैं जो हम जहां पर करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी हैं, कि एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया है जिसने बाहर हमारे लोगों को अपने बाप के 3-4 नाम बताए हैं, जो भी पहले पहुंच जाएगा बच्चा उसका हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी पहुंचिए और अपने बच्चे को पा लीजिए। और अभी अभी एक और खबर आई है कि रोशनी के 8 नंबर के होंठ कहीं गिर गए हैं, तो अगर किसी के पैरों में आए तो प्लीज़ बचा के उठा लीजिएगा, लेकिन बिना चूमे उसे वापस कर दीजिएगा। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तो अब मैं जिस कलाकार को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, वो बहुत ही कलाकार ऐसे हैं जो किसी को मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से हम ढूंढ कर लाए हैं। तो आपकी नज़र आपके सामने ला रहे हैं हम अल्ताफ बाजा। वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। जिसके आने से पहले ही आ जाता है उसका बाजा, जिसके आने से पहले ही आ जाता है उसका बाजा, उस नाचीज को कहते हैं अल्ताफ।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बाजा पीछे क्यों रख लिया? क्योंकि बाजा चोरी का है और गाना हमारा अपना। वाह, जिस लोग पूजा करते हैं जिस चीज की, वो आपने चोरी की रखी है, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है ये। अरे शर्म तो उनको आनी चाहिए जिनका गाना चोरी का होता है और बाजा अपना। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी बातें करने के लिए, बहुत बहुत मेहरबानी। तो अबे चप्पल किसने मारी बे? देखो जिसने भी चप्पल मारी है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन एक पाँव की मत मारी जाए प्लीज, दूसरी चप्पल भी हमें मारी जाए ताकि घर में जोड़ा पूरा हो, क्योंकि बदमाश कंपनी में बताया गया था एक पाँव ना आपके काम का है ना हमारे काम का है, तो प्लीज चप्पल का रखा जाए। और एक 10 नंबर का हमारे लिए। अच्छा देखिए भाई साहब, फरमाई चाहिए है कि 10 नंबर का जूता अगर किसी के पाँव में हो तो प्लीज वो भी मारा जाए, और मुझे लगता है कि सुहेल जी मारेंगे आज 10 नंबर का जूता हमें, तो मेहरबानी शुक्रिया बहुत बहुत, जारी कीजिए प्रोग्राम। तो इसी के साथ इस दिवाली मेले पे बहुत ही अच्छे गायकों के साथ हम समागम की समाप्ति करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, अलविदा, अगले साल फिर मिलेंगे इसी दिवाली पर, इसी जगह पर, इसी मौके पर, इन सिंगरों के साथ नहीं। स्क्रिप्ट में इतना कुछ करने को था नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो एक कोऑर्डिनेशन विद सिंगिंग, यू नो विद सुगंधा सिंगिंग, विद योर एनर्जी, जो भी एक्ट था ये आपकी वजह से ये था, इतना ह्यूमरस नहीं था एक्ट, लेकिन एज एक्टर्स यू ऑल वर फैबुलस। अर्चना, द ओनली थिंग आई कैन टॉक अबाउट इज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस राजीव आपका बहुत 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 अच्छा था। सुगंधा, आपके सिंगिंग के टैलेंट को टैप किया गया इस एक्ट में, बोथ ऑफ यू वर वेरी नाइस। हिमेश, सुगंधा जी, राजीव जी, बहुत बहुत ही अच्छा एक्ट था, एंड मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग इस तरह से हंसाने का काम जो कर रहे हैं ना, मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि ये शो 20 साल बन नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये शो 100 साल बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों की जो दुआएं आप लोगों को लग रही है, इतना हंसा रहे हैं आप लोग और स्ट्रेस से दूर कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, सुपर। चलिए अब स्कोर्स भी हो जाए। सुहेल 9 points, अर्चना ओनली एन 8 टुडे, 8 points।